हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर वैल्यू एरर कब आता है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लिखा हुआ है। इस स्टूडेंट्स के डेटा पे इन दोनों मैथ के और इंग्लिश का सम करते हैं। सम करेंगे ब्रैकेट शुरू और यहाँ से इन दोनों वैल्यू को ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये इसने सम करके यहाँ पे वैल्यू दे दी। वैल्यू एरर तब शो करता है जब आप नंबर वैल्यू के अलावा टेक्स्ट वैल्यू भी इसमें ऐड कर देते हो। तो जैसे हम सम करते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं और हम गलती से ये वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू को ऐड करने की कोशिश करते हैं और एंटर कर देते हैं, तब ये वैल्यू एरर आता है। तो वैल्यू एरर हमेशा उस केस में आएगा जब आप दो न्यूमेरिक वैल्यूज की सम करने के या दो न्यूमेरिक वैल्यूज के अलावा कोई टेक्स्ट वैल्यू और एक न्यूमेरिक वैल्यू सम करते हो, तब ये वैल्यू एरर दिखाई देगा। तो आप इसको रिजोल्व करने के लिए क्या करोगे, बस यहाँ से ये वाली वैल्यू को चेंज कर दो। A4 की जगह हमें इस पे C4 कर देते हैं। अभी यहाँ से दिखा देगा सही। जब भी वैल्यू एरर आए मतलब वो वैल्यू में एरर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।